बड़ी खबर आ रही है बांका से, जहां कुख्यात नक्सली सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, यह कई कांडों में वांछित है। बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है और एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसके बाद कुख्यात नक्सली सुरेंद्र यादव गिरफ्तार हो गया। पुलिस के हत्थे कुख्यात नक्सली सुरेंद्र यादव चढ़ गया। आपको बता दें कि कई कांडों में यह वांछित था। बांका के चांदन थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। जमुई का रहने वाला है सुरेंद्र यादव। एक बड़ी खबर आ रही है बांका से, जहां कुख्यात नक्सली सुरेंद्र यादव की गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ ने की है। बांका के चांदन थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है और यह कुख्यात नक्सली जमुई का रहने वाला है। कई कांडों में पुलिस को इसकी तलाश थी, लगातार छापेमारी की जा रही थी, इसको ट्रैक करने के लिए टीम बनाई गई थी, जिसके तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, कैसे हुई गिरफ्तारी, यह जानना चाहेंगे आपसे, और कितनी बड़ी सफलता है यह पुलिस की? देखिए, ये जो सुरेंद्र यादव है, ये कई मामलों में ये वांछित रहा है पुलिस के लिए, और एक तरह से कहा जाए तो पुलिस की गिरफ्त से के बाहर ये रह रहा था। और इसका कार्य क्षेत्र खास करके बांका जिला का जो चादन आनंदपुर थाना क्षेत्र है, वो एक तरह से कहा जाए तो बांका जिला इसका कार्य क्षेत्र रहा है नक्सली गतिविधियों का। हालांकि रहने वाला है जमुई जिला के माणिक स्थान है झाझा थाना क्षेत्र में, वहां का रहने वाला है, लेकिन इसका नक्सली जो गतिविधियां है ये बांका जिला में रहा है। और चादन थाना कांड संख्या 2016 में जो कांड संख्या 143/16 है, उसमें ये अपराधी था। और उसके बाद में 135/17 जो कांड संख्या है, उसमें ये पंडित रहा है। और इन दोनों केस में इसका जो अपराधी जो गतिविधि रहा है, वो आर्म्स एक्ट का, सीएल एक्ट का और यूएपी एक्ट का ये अपराधी है, जिसके लिए पुलिस तलाश रही थी। पुलिस कहीं ना कहीं सिक्योर हो रही थी, इसलिए एसटीएफ को लगाया गया था। और एसटीएफ ने इसको बांका जिला के चादन आनंदपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। तो जाहिर सी बात है कि एसटीएफ के लिए आज का दिन बड़ा ही खुशखबरी का दिन है कि ये वांछित नक्सली को एसटीएफ ने धर दबोचा है, सुरेंद्र यादव को, और ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मनोज नारायण सिंह। तो आपको बता दें कि एक बड़ी सफलता के रूप में एसटीएफ से देख रही है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि कुख्यात नक्सली सुरेंद्र यादव के गिरफ्तार होने के बाद पूछताछ होगी, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि पटना के बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। बांका से कुख्यात सुरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है। जमुई का रहने वाला है, कई कांडों में वांछित था यह सुरेंद्र यादव। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी है।